वेलकम टू संसार ग्रीन। आज हम फिर से आए हैं नई जानकारी, ज्ञान का नया पिटारा लेकर आपके पास। आज की हमारी वीडियो का विषय है लीफी वेजिटेबल्स, यानी पत्तों वाली सब्जियां, जिसे हम आम तौर पर साग या साक कहते हैं। भारत अतुलनीय है, विविधता है यहाँ, ना सिर्फ धर्म में, रंग में, पहनावे में, खान पान में, बल्कि फ्लोरा और फौना में भी। यानी यहाँ उगने वाली वनस्पतियाँ भी बहुत अलग अलग तरह की हैं। और सिर्फ यही कारण है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ खाने वाले सागों की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप सुबह से शाम तक शायद नाम भी गिनते रह जाएं। हम एक एक करके वीडियो में साग की कुछ किस्मों के बारे में बताएंगे, उनकी खूबी क्या है, इनसे क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और इनसे स्वाद के कितने तरह के चटखारे आप ले सकते हैं, ये सब कुछ। अगर आपका वाला साग छूट जाए तो बुरा ना माने, हमें सिर्फ कमेंट करके बता दें, क्योंकि आपके बताने पर ही तो हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करें हमारी लिस्ट। सबसे पहले बथुआ साग। बथुआ को अंग्रेजी में गूज फोर्ट या मेलडे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषी लोग इसे बथुआ या भथुआ के नाम से बुलाते हैं। और जहाँ तक इनके वैज्ञानिक नाम की बात है, इनका वैज्ञानिक नाम किनोपोडियम एल्बम है, जिस नाम से ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्योंकि भारत के अलावा ये पूरे अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल एशिया में भी उगाए और खाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, सब इनके वैज्ञानिक गुणों से वाकिफ़ हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट से वाकिफ़ हैं। सिर्फ स्वाद के लिए पूरे विश्व में ये नहीं खाया जाता। तो आप भी जानिए कि इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। लीफी वेजिटेबल्स हैं, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये कॉमन बात है। लेकिन सबसे खास जो चीज़ इसे बनाती है, बथुआ एकमात्र ऐसा साग है जिसे खाने से आपकी बॉडी में, आइदर वो गॉल ब्लैडर हो या फिर किडनी हो, कहीं भी अगर स्टोन फॉर्म होता है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी है स्टोन फॉर्म करने की, तो वो बथुआ साग खाने से स्वतः गल के निकल जाएगा पेनलेसली। यानी आपको दर्द भी नहीं होगा और स्टोन आपके शरीर से बाहर होगा। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इसमें भरमार होती है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसे कैसे खाएं, सेवन कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट ले सकें, सबसे सिंपल और बढ़िया तरीका तो ये है कि साग को आप अच्छी तरह से धोकर क्लीन करें, उसे किसी ढक्कन वाले बर्तन में डालें और एक चुटकी नमक डालकर ढक दें धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए। इससे काफ़ी सारा पानी निकलेगा और सारा साग आपका सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। आप चाहें तो इस पके हुए साग में आटा डालकर गूंथ सकते हैं, पराठे बनाकर खा सकते हैं, या आपके पास कई सारी रेसिपीज होगी, कई लोग इसके रायते भी बनाते हैं। हम अगले साग पर जाते हैं क्योंकि खाने का तरीका आप तय करें। जहाँ तक किस्मों की बात है, इसकी आमतौर से दो ही किस्में होती हैं। ग्रीन किस्म तो सबसे कॉमन है, हरी वाली वैरायटी। एक हाइब्रिड किस्म आती है जिसमें सेंटर में हल्का सा लाल रंग आपको या लाल रंगत देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर हमने रखा है बिच्छू बूटी को। इसे नीटल ग्रास भी कहते हैं। दूसरी भाषाओं में इसे कुगस, कुगसी या बिछुआ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये तमाम भारत में उगता है, पर उत्तराखंड राज्य में ये बहुत ज़्यादा उगता है और वहाँ के लोग इसके हेल्थ बेनिफिट्स से भी वाकिफ़ हैं। वैसे तो साग खतरनाक पौधों की लिस्ट में आता है, क्योंकि इसे छू जाने से ही आपकी बॉडी में ईचिंग होती है, दाने उगाते हैं और ये आपको लग सकता है कि खतरनाक है, पर जब आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानेंगे तो आप खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक स्वाद की बात है, इनका स्वाद बेमिसाल होता है। तो हम आपको पहले इसके हेल्थ बेनिफिट्स बता देते हैं। बिच्छू बूटी का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और आप सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, ये आपकी थकान को भी दूर करता है और अनिद्रा की बीमारी को भी दूर करता है। यानी इसके सेवन से आपको अच्छी नींद आती है, जोड़ों का दर्द जाता रहता है। एजिंग के साथ जिन्हें घुटने में दर्द की प्रॉब्लम होती है, अगर वे इसका नियमित तौर पर सेवन करें तो उनकी ये तकलीफ़ भी हमेशा के लिए जाती रहती है। दूसरे सागों से अलग
आप इन्हें अनकुक्ड फॉर्म में, यानी जब ये रॉ या कच्चे हैं, तो बेयर हैंड टच नहीं कर सकते। इन्हें ग्लव्स के साथ ही आपको टच करना होता है, नाइसली क्लीन करना होता है, अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें कुक करके ही आप खा सकते हैं। कुक होने के बाद इनमें जो बिच्छू जैसे डंक होते हैं वो माइल्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर उनका कोई नुकसान आपको नहीं होता है, तमाम हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। हमने अगले नंबर पर कुल्फा या पोर्सलेन को रखा है। इसे दूसरी भाषाओं में लूनी, लोनक या पोर्सलाई भी कहा जाता है। अंग्रेजी में आमतौर से इसे पिगवीड कहा जाता है, क्योंकि ये बैरन लैंड्स, खाली पड़ी ज़मीन पर बेतरतीब उगते हैं। लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और इनका सेवन करने से आप स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है, और इनमें बुखार को कम करने की क्षमता होती है। ये एक तरह के सकलेंट्स हैं। इनके पत्ते स्पॉन्जी होते हैं, जो कि आम तौर पे साग के जो वैराइटीज़ होती है उनमें स्पॉन्जी लीव्स नहीं होते हैं, पर ये स्पॉन्जी लीव वाला साग है। और ये भारत के अलावा जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में भी बहुत बड़े स्तर पर खाया जाता है। WHO ने इसे मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिनल प्लांट का दर्जा दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन होते हैं उसे कम करता है, यानी कि स्वेलिंग को कम करता है। भारत से बाहर आमतौर से इसे सलाद या ड्रेसिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर हमारे यहाँ इसे दूसरी सब्जियों के साथ या कुक करके खाने की प्रथा आमतौर से प्रचलित है। आपको चाहे इसे खाने का जो भी तरीका पसंद हो, पर ऐसे साग को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पालक या स्पिनच, इनके नाम से भला कौन वाकिफ नहीं होगा, पर हमने इसे चौथे नंबर पर रखा है, क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पहले जो सारे साग हमने आपको बताए हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात पालक की, तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। ये आयरन से भरपूर होते हैं, और इसीलिए जिन्हें रक्त की कमी या एनीमिया की समस्या है उन्हें पालक का सेवन जरूर करना चाहिए। छोटे बच्चों को पालक जरूर खिलाना चाहिए, इससे उनकी आई साइट अच्छी रहती है, और जो आजकल कम उम्र के बच्चे चश्मा लगाते हैं वो चश्मे से बच जाते हैं। जहाँ तक स्वाद की बात है, हर माँ के हाथ का बना हुआ पालक पनीर, पालक की पूरी, कौन से बच्चे को पसंद भला ना आएगी। और हाँ, आप अगर वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो पालक का सूप या पालक का जूस भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। अगले नंबर पर हमने रखा है गोंगूरा या अंबाड़ी या पचड़ी को। इसे कुद्रुम या केनाफ जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये लगभग पूरे भारत में मिलता है और इनकी पत्तियां खाई जाती हैं। इनको खाने के पीछे वजह ये है कि इनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसमें फ्लोएट होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन सी होता है, यानी आपकी गम्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो बढ़ती हुई उम्र को जैसे थाम सा लेता है, रोक सा लेता है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, जो आपकी बोन्स को, हड्डियों को मजबूती देता है। इसमें आयरन है, यानी एनीमिया से भी बचाता है आपको, और इसमें जिंक है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। विटामिन ए भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिससे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी आँखों की रोशनी तेज होती है। इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है, ये बैल्डनेस को रोक देता है, यानी जिनमें पीढ़ियों से गंजेपन की शिकायत है जिस फैमिली में, वो लोग अगर इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें खाने में तो बाल्डनेस नहीं आता, गंजापन नहीं आता है। और ये मसल्स के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, यानी कि स्वेलिंग अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की है तो उसे कम कर देता है। ओवरऑल स्वाद भी इनका बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा खट्टापन स्वाद में इनके होता है। कई लोग इनकी अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, नॉनवेज के साथ भी इसको खाते हैं और साग बना के भी खाते हैं। आप खाने का चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करें,
पर इनको अपने आहार में नियमित रूप से आपको जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें फल भी आते हैं जिससे जैम जेली भी बनाया जाता है, गोंगूरा के पत्तों का अचार भी बनता है, यानी आप ऑफ सीजन के लिए इसको पिकल करके रख सकते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अगले नंबर पर हमने रखा है एमरेंथ या राजगीरा को। इसे आम बोलचाल की भाषा में हरा साग कहा जाता है और ये साग की एक ऐसी किस्म है जिसकी व्यापक स्तर पर खेती होती है। मैं आपको बता दूं, आम तौर से किसी भी साग के बीज नहीं खाए जाते या फूल वाला हिस्सा नहीं खाया जाता है, वो नुकसान करता है, फिर चाहे वो पालक का हो, बथुआ का हो या पोया साग का हो। लेकिन ये हरा साग या एमरेंथ एक ऐसा साग है जिसका बीज भी खाया जाता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं और इसका स्वाद भी बेमिसाल होता है। आपने रामदाना लड्डू या राजगीरे का लड्डू जरूर खाया होगा, ये इसी साग के बीज से बनता है। इनका स्वाद बेमिसाल होता है, इनके पत्ते कुक करके खाए जाते हैं, इनकी मोटी डंडियों में भी रेशे नाम मात्र के होते हैं जिनको उतारने के बाद उनकी सब्जी बनाई जाती है जो बेहद स्वादिष्ट होता है। बंगाली मानुष इससे भली भांति परिचित होंगे। स्वाद से थोड़ा आगे बढ़ें और अगर इनके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ये ग्लूटीन फ्री होता है। आजकल ग्लूटीन फ्री फूड फैशन में है और समय की मांग भी है। ये कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है और ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। इसमें क्षमता होती है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी ओवरऑल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। आमतौर से साग में आपको प्रोटीन कंटेंट उतना नहीं मिलता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी हाई प्रोटीन वाला फूड है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि आप अगर इनका खाने में नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, यानी कि आपके बालों का रंग गहरा हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको अपने खाने में शामिल करती हैं तो बच्चों के बाल बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके अलावा इसमें हाईएस्ट अमाउंट में विटामिन के होता है जो दूसरे किसी भी फूड में कंपैरेटिवली इतना नहीं होता है। विटामिन के की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। अगर घर में किसी को अल्जाइमर जैसी बीमारी है तो उनके खाने में इसे ज़रूर शामिल कीजिए, यकीन मानिए दवाओं से ज़्यादा फ़ायदा करेगा।